खबरों की कतार लगातार, एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बड़े फेरबदल की तैयारी में है, क्या कुछ खास होगा इस फेरबदल में, आइए बात करते हैं इसी बारे में हमारे संवाददाता संदीप जी से। संदीप जी, क्या कुछ बदलने वाला है कांग्रेस में? बिल्कुल निधि, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बदली है तो लिहाजा संगठन बदलने की भी तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो गई। और जिस तरीके से अभी तक निधि हम देखते आए हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में राहुल गांधी फार्मूला चल रहा था, लेकिन जब से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कमान राहुल गांधी ने छोड़ी है और जिस तरीके से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी है, तो लिहाजा मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब सोनिया गांधी फॉर्मूला लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसके लिए बाकायदा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है और सर्कुलर के मुताबिक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव करने के जो है साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए। यानी कि अब जो है मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता बदली है निधि, उसी तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन के हालात भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा इसी कड़ी में जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो संगठन होगा इसमें कई तरह के बदलाव किए जाए और नया संगठन होगा, नई तैयारियां होगी और नए कार्यकर्ता होंगे और नए तरीके से जो है पूरी तरीके से इस संगठन में जान फूकी जाएगी। यानी कि यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जब कांग्रेस की कमान संभाले हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो बात की जा रही थी युवा नेतृत्व की, लेकिन जिस तरीके से निधि सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, तो अब यहां पर यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में बदलाव होगा तो यहां पर अनुभव वाले नेता भी होंगे, उम्रदराज नेता भी होंगे, साथ ही साथ तमाम तरह के ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिससे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो तिनके की तरह कांग्रेस बिखरी हुई है, जो कांग्रेस में गुटबाजी की बात की जाती है, जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात की जाए, उन सभी जो खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से ये संगठन यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेगा। जी बिल्कुल, तो अब तक जो कांग्रेस राहुल गांधी के फॉर्मूले पर चल रही थी, अब वो बदलने वाला है फॉर्मूला, अब नया फॉर्मूला जो है सोनिया गांधी का अपनाया जाने वाला है, क्या कुछ खास है इस सर्कुलर में आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल निधि, अगर बात करें जो इस सर्कुलर की, तो जिस तरीके से संगठन मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की बात की जाए या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस संगठन की बात की जाए या ब्लॉक स्तर के कांग्रेस संगठन की बात करें या फिर अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन की बात करें, तो ये जो सर्कुलर जारी किया है, मेरे पास कुछ अपडेट्स है इसके, मैंने नोट डाउन की है। और अगर बात करें सबसे पहले निधि अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन की, तो यहाँ पर एक अध्यक्ष रहेगा, उसके बाद में 5 वाइस पर्सन रहेंगे, 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे, 4 रीजनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे और 15 मेंबर ये अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन में शामिल रहेंगे। अगर पीसीसी की बात करें, प्रदेश कांग्रेस संगठन की बात करें, तो इसमें इस स्तर पर एक अध्यक्ष होगा, यानी कि एक पीसीसी चीफ होगा, 3 उपाध्यक्ष रखे जाएंगे, 5 स्टेट कोऑर्डिनेटर रखे जाएंगे यहाँ पर, और 10 मेंबर जो होंगे वो प्रदेश कांग्रेस संगठन में होंगे। यानी कि यहाँ पर जो है एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष का फॉर्मूला प्रदेश कांग्रेस संगठन में लागू किया जाएगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ बदलने की बात कर रही है, अगर नया पीसीसी चीफ बदलता है निधि, तो साथ ही साथ 3 उपाध्यक्ष भी होंगे और 5 स्टेट कोऑर्डिनेटर होंगे। अब आते हैं हम जिला स्तरीय कांग्रेस संगठन पर, तो यहां पर एक अध्यक्ष होगा और 2 उपाध्यक्ष होंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे और 5 जो है मेंबर होंगे। तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से संगठन जो है जिला स्तर का जो कांग्रेस संगठन है ये भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ब्लॉक स्तर पर देखा जाए तो ब्लॉक स्तर पर भी एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है राहुल गांधी के बाद मध्य प्रदेश में सोनिया ब्रिगेड पूरी तरीके से तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है निधि। और जिस तरीके से देखा जाए तो 15 सालों बाद कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई, लिहाजा कांग्रेस की सरकार अपना संगठन मजबूत करने की ओर ध्यान दे रही है। और जिस तरीके से सोनिया गांधी की बात की जाए तो सोनिया गांधी को काफी अनुभव है संगठन चलाने का, और जिस तरीके से उन्होंने देश की सियासत में अपना जो है उनका अनुभव है, उसके आधार पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को वो पूरी तरीके से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। लिहाजा सोनिया गांधी फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा निधि, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो ये नया सर्कुलर जारी
जारी हुआ, इसके बाद में किस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होती है और क्या कुछ वाकई में जो तिनके की तरह बिखरी हुई कांग्रेस है वो एग्जिट हो पाती है? जी बिल्कुल, तो जैसा कि संदीप जी ने कहा, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर तबके पर बदलाव होने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सोनिया गांधी का ये नया फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है, किस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस को संभाल पाता है और किस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। संदीप जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमबी न्यूज पर खबरों का दौर लगातार जारी है। खबरों की कतार लगातार, एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।